अमन, जी मामा। तुमको कोर्स बना रहा हूं मैं, माइक सेक्शन देख लेना था। जी, आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे दयालु सारी आशु के देने वाले सामर्थी सामर्थी हुआ पिता परमेश्वर, अपने सारे हृदय सारे मन सारी बुद्धि से एक बार फिर आपसे एकाग्रता चाहते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, कि आपने हम मनुष्यों को एक बार फिर ये मौका दिया कि आपकी बातों की ओर अपना मन लगा सकें। पिता परमेश्वर, प्रभु जी, हम यहाँ जो एकत्रित हैं उसके लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। आगे के समय को और यहाँ पर बैठे सब लोगों को और उन सारे बंधुओं को, बहनों को जो अभी ज्वाइन करना चाहते हैं और किसी वजह से नहीं जा ज्वाइन कर पा रहे हैं, उनको भी आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। उनकी भी सहायता कीजिए पिता परमेश्वर, कि हम सब मिलकर उन अद्भुत बातों को जो हमारे सामने आज फिर हमारे बीच में रखी जानी है, उन सब पर मन लगा सकें पिता परमेश्वर, और आपके प्रेम को प्रगाढ़ता से अपने शरीरों में महसूस कर कुछ तो बांटने वाले हो सके प्रभु जी। पिता परमेश्वर, मैं चाचा डॉक्टर शेखर को आपके हाथों में सौंपता हूँ, क्यों आपने उनको ऐसा बल और शक्ति और समझ बूझ दिया पिता परमेश्वर, कि हम सबको संभालते हैं, आपके वचन के बारे में बताते हैं पिता परमेश्वर, और उनके द्वारा हम आपको जानने पाते हैं प्रभु जी। आगे के समय को हम अपने आप को हम सबों को आपके हाथों में सौंपते हैं, और इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आमीन। आइए हम पढ़ेंगे पुराने नियम की किताब दूसरा इतिहास, उसका 9वां अध्याय, वचन 1 से 8। पुराने नियम की किताब दूसरा इतिहास, अध्याय 9 वचन 1 से 8। यह पवित्र बाइबल यूं कहती है, जब शीबा की रानी ने सुलेमान की कीर्ति सुनी तो वो कठिन कठिन प्रश्नों से उसकी परीक्षा करने के लिए यरूशलेम को चली। वो बहुत भारी दल और मसालों और बहुत सोने और माणी से लदे ऊंट साथ लिए हुए आई और सुलेमान के पास पहुंचकर उससे अपने मन की सब बातों के विषय बातें की। सुलेमान ने उसके सब प्रश्नों का उत्तर दिया। कोई बात सुलेमान को बुद्धि से ऐसी बाहर न रही कि वह उसे न बता सके। जब शीबा की रानी ने सुलेमान की बुद्धिमानी और उसका बनाया हुआ भवन और उसकी मेज पर का भोजन देखा और उसके कर्मचारी किस रीति बैठते और उसके टहलुए किस रीति खड़े रहते और कैसे कैसे कपड़े पहनते रहते हैं और उसके पिलाने वाले कैसे कैसे हैं और वे कैसे कपड़े पहने हैं और वो कैसी चढ़ाई है जिससे वो यहोवा के भवन को जाया करते हैं, तब उसने यह सब देखा तब वह चकित हो गई। तब उसने राजा से कहा, मैंने तेरे कामों और बुद्धिमानी की जो कीर्ति अपने देश में सुनी वो सच ही है, परंतु जब तक मैंने आप ही आकर अपनी आंखों से यह न देखा तब तक मैंने उनकी प्रतीति न की, परंतु तेरी बुद्धि की आधी बढ़ाई भी मुझे न बताई गई थी, तो उस कीर्ति से बढ़कर है जो मैंने सुनी थी। धन्य है तेरे जन, धन्य है तेरे वे सेवक जो नित्य तेरे सम्मुख उपस्थित रहकर तेरी बुद्धि की बातें सुनते हैं। धन्य है तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझसे ऐसा प्रसन्न हुआ कि तुझे अपनी राजगद्दी पर इसलिए विराजमान किया कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की ओर से राज्य करे। तेरा परमेश्वर जो इसराइल से प्रेम करके उन्हें सदा के लिए स्थिर करना चाहता था, इसी कारण उसने तुझे न्याय और धर्म करने को उनका राजा बना दिया। थैंक यू वेरी मच। विशेष मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ और सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज बहुत एक छोटी सी बात हम लोग ध्यान करेंगे जिसके कारण कई बार अनजाने में हम लोग परमेश्वर की संगति को खो देते हैं। सो आज एक विशेष विषय है ये जिसको हम लोग ध्यान करेंगे।
फिर से एक बार रेचल स्क्रीन पे पढ़ो। दूसरा इतिहास 9:1-2। जब शीबा की रानी ने सुलेमान की कुत्ती सुनी, तब वह कठिन कठिन प्रश्नों से उसकी परीक्षा करने के लिए यरूशलेम को चली। एक मिनट, ये शीबा की रानी ने सुलेमान की कीर्ति सुनी, और उसकी कीर्ति क्यों हो रही थी? क्योंकि सुलेमान एक ऐसा राजा था जिसको परमेश्वर ने स्वयं वो सामने उपस्थित होकर उससे पूछा था कि मांग तू क्या मांगता है। तब इसने और कुछ नहीं, हम लोग सब जानते हैं इस बात को, कि उसने परमेश्वर से बुद्धि मांगा था, और इसके इसकी बुद्धि जो है, इसके बारे में लिखा है कि सुलेमान में परमेश्वर की बुद्धि वास करती थी, और इसलिए ये एक एक दूसरी रानी है जिसके पास बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारी बातों को जानना समझना चाहती है। और तब उसने जब सुना कि किसी एक जगह परमेश्वर का ज्ञान उपलब्ध है, तब वो कठिन कठिन प्रश्नों से उसकी परीक्षा करने को यरूशलेम को चली। फिर क्या हुआ आगे? वह बहुत भारी दल और मसालों और बहुत सोने और मणि से लदे ऊंट साथ लिए हुए आई और सुलेमान के पास पहुंचकर उससे अपने मन की सब बातों के विषय बातें की। सुलेमान ने उसके सब प्रश्नों का उत्तर दिया। कोई बात सुलेमान की बुद्धि से ऐसी बाहर न रही कि वह उसे न बता सके। तो इसको जिसलिए वो आई थी वो तो यहाँ हो गया। लिखा है कि कठिन कठिन प्रश्नों से उसकी परीक्षा करने को आई थी, और तब उसकी सुलेमान की बुद्धि से कोई भी बात ऐसी बाहर न रही, लिखा है। पर आगे क्या लिखा है? पढ़ो भाई, 3 और 4। 9:3-4। जब शीबा की रानी ने सुलेमान की बुद्धिमानी और उसका बनाया हुआ भवन और उसकी मेज पर का भोजन देखा, और उसके कर्मचारी किस रीति बैठते और उसके टहलुए किस रीति खड़े रहते और कैसे कैसे कपड़े पहने रहते हैं और उसके पिलाने वाले कैसे हैं और वे कैसे कपड़े पहने हैं और वह कैसी चढ़ाई है जिससे वह यहोवा के भवन को जाया करता है, जब उसने यह सब देखा तब वह चकित हो गई। तो केवल प्रश्नों का उत्तर पाने से कोई व्यक्ति परमेश्वर की बड़ाई नहीं करेगा, ये इस बात का प्रमाण है। ये जो इवेंट है, ये जो सुलेमान के पास जो रानी आई है, शीबा की रानी, इसने अपने सारे प्रश्नों का उत्तर पाया, पर उसके बाद भी उसने बड़ाई नहीं किया। पर लिखा है कि उसने कुछ कुछ चीज़ों को नोटिस किया। सबसे पहला क्या है? भवन देखा, फिर उसके मेज पर का भोजन, फिर उसके कर्मचारियों का ड्रेस कैसा है, कैसे उन लोग, कैसा मैनर है उनका, और तब जो चढ़ाई है जिससे वो परमेश्वर के भवन को जाता है, उन सब बातों को नोटिस किया। उसके बाद उसने कुछ बात किया। पढ़िए 9:5-8 तब उसने राजा से कहा, मैंने तेरे कामों और बुद्धिमानी की जो कीर्ति अपने देश में सुनी वह सच ही है, परंतु जब तक मैंने आप ही आकर अपनी आंखों से यह न देखा तब तक मैंने उनकी प्रतीति न की। मतलब परमेश्वर के ज्ञान से भरे हुए एक व्यक्ति का रहन सहन कैसा है, उसका मकान कैसा है, इसको लोग देखते हैं। जिन लोग प्रश्नों का उत्तर चाहते हैं, उन लोग आपके घर, आपका भोजन, आपका कपड़ा लत्ता सब ध्यान करते। क्यों? इसका कारण बताऊंगा मैं। पढ़िए, परंतु तेरी बुद्धि की आधी बढ़ाई भी न बताई गई थी, तू उस कीर्ति से बढ़कर है जो मैंने सुनी थी। धन्य है तेरे जन, धन्य है तेरे ये सेवक जो नित्य तेरे सम्मुख उपस्थित रहकर तेरी बुद्धि की बातें सुनते हैं। धन्य है तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझसे ऐसा प्रसन्न हुआ कि तुझे अपनी राजगद्दी पर इसलिए विराजमान किया कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की ओर से राज्य करे। तेरा परमेश्वर जो इसराइल से प्रेम करके उन्हें सदा के लिए स्थिर करना चाहता, उसने तुझे न्याय और धर्म करने को उनका राजा बना दिया। ये बात क्यों हमको ध्यान करने की आवश्यकता है? एक विशेष बात है जो मैं आज बताना चाहता हूँ। व्यवस्था विवरण 23 अध्याय उसके 12, 13, 14 में एक विशेष बात लिखी है, और खासकर मैं निवेदन करूँगा छत्तीसगढ़ के उन लोगों को जो, यदि एक भी जन सुन रहा है मेरी बात, तो छत्तीसगढ़ में हमारे यहाँ एक मेला हुआ करता है, मतकू घाट का मेला, और तब वहाँ पर जो प्रभु के लोग होते हैं उन लोग एक हफ्ते के लिए इकट्ठे होते हैं, और तब वहाँ जो इकट्ठे होते हैं उनके विषय में जिन लोग गए हैं वहाँ, उन लोग जानते हैं कितनी गंदगी से रहते हैं उन लोग। पढ़िए क्या लिखा।
व्यवस्था विवरण 23:12-14 तक। छावनी के बाहर तेरे दिशा फिरने का एक स्थान हुआ करे और वहीं दिशा फिरने को जाया करना, और तेरे पास के हथियारों में एक खंती भी रहे, और जब तू दिशा फिरने को बैठे तब उससे खोद कर अपने मल को ढांप देना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बचाने और तेरे शत्रुओं को तुझसे हरवाने को तेरी छावनी के मध्य घूमता रहेगा। इसलिए तेरी छावनी पवित्र रहनी चाहिए। तेरी छावनी पवित्र रहनी चाहिए पहली बात। और तब मैं आजकल देखता हूँ कि 60,00,70,00,80,01 करोड़ के आसपास में मकान बनता है, और तब मकान जब बनता है तो मकानों के विषय में कुछ कुछ बातें आज मैं बताऊंगा कि हम लोग जहाँ रहते हैं उसके विषय में हमको किस विषय में ध्यान रखना है। क्या लिखा? ऐसा ना हो कि वह तेरे मध्य में कोई अशुद्ध वस्तु देखकर तुझसे फिर जाए। ये कोई तेरे घर में तेरे मध्य में कोई अशुद्ध वस्तु देखकर फिर ना जाए तुझसे। कई लोगों को मालूम नहीं है कि परमेश्वर कई बार हमारे आसपास से फिर क्यों जाता है, दूर क्यों चला जाता है, क्योंकि ये एक छोटी सी बात है जिसको हम लोग सोचते नहीं। घर की सफाई, ये अशुद्ध वस्तु देखकर तुझसे फिर ना जाए। और तब उसने वहाँ तक की बात किया कि दिशा फिरने को यदि तुम जाते हो तो क्या करना चाहिए। मैं कई बार देखता हूँ कि ये जो हमारे इतने महंगे महंगे घर हैं वो कितने गंदगी से लोग रहते हैं, उसके भीतर उनके टॉयलेट बाथरूम और बाकी घर में क्या लिखा है, लय व्यवस्था 14:57 उसका 57 पद। लय व्यवस्था 14:57। शुद्ध और अशुद्ध ठहराने की शिक्षा की व्यवस्था यही है, सब प्रकार के कोढ़ की व्यवस्था यही है। कोढ़ की व्यवस्था बता रहा है। कोढ़ किसका किसका होता है? शरीर में होता है इतना हम लोग जानते हैं, पर लय व्यवस्था में लिखा है घर का भी कोढ़ होता है और कपड़े का भी कोढ़ होता है। पढ़िए, जब एक व्यक्ति विशेष में कोढ़ है, कोई बीमारी है, तो क्या लिखा है? लय व्यवस्था 13:44-47 तक। वह मनुष्य कोढ़ी है और अशुद्ध है, और याजक, ये मैं छोड़ रहा हूँ, उसके पीछे 13 अध्याय पूरा पढ़ लेना, क्या क्या सिम्टम होते हैं उसके, पढ़िए। वह मनुष्य कोढ़ी है और अशुद्ध है, और याजक उसको अवश्य अशुद्ध ठहराए, क्योंकि वह व्याधि उसके सिर पर है, और जिसमें वह व्याधि हो उस कोढ़ी के वस्त्र फटे और सिर के बाल बिखरे रहें, और वह अपने ऊपर वाले होंठ को ढांपे हुए अशुद्ध अशुद्ध पुकारा करे। जितने दिन तक वह व्याधि उसमें रहे उतने दिन तक वह तो अशुद्ध रहेगा, और वह अशुद्ध ठहरा रहे, इसलिए वह अकेला रहा करे, उसका निवास स्थान छावनी के बाहर हो। छावनी के भीतर उसको प्रवेश नहीं था। ये एक ट्रिक नियम दिया गया था कि एक व्यक्ति दूर से ही जिसको कोढ़ है वो अशुद्ध अशुद्ध कहता रहे ताकि दूसरे लोग गलती से उसके पास ना आए, और वो अकेला रहा करे, और निवास स्थान छावनी के बाहर हो उसका। और क्या लिखा है? फिर जिस वस्त्र में कोढ़ की व्याधि हो। ये वस्त्र में कोढ़ की व्याधि क्या होती है? मैं पढ़ा तो मुझको समझ में नहीं आया। मैं बोला ये बोलना क्या चाहता है, तब प्रभु ने बोला बेटा पूरा पढ़ तब समझ में आएगा, इसलिए आप लोग इन विषयों को ध्यान करना। पढ़िए लय व्यवस्था 14:34। जब तुम लोग कनान देश में पहुंचो जिसे मैं तुम्हारी निज भूमि होने के लिए तुम्हें देता हूँ, उस समय यदि मैं कोढ़ की व्याधि तुम्हारे अधिकार के किसी घर में दिखाऊं तो जिसका वह घर हो। एक मिनट, इसको ध्यान रखना, घर में भी कोढ़ की व्याधि होती है। कौन सा किसको बोल रहा है, आगे लिखा है, पढ़िए। तो जिसका वह घर हो आकर याजक को बता दे कि मुझे ऐसा देख पड़ता है कि घर में मानो कोई व्याधि है, तब याजक आज्ञा दे कि उस घर में व्याधि देखने के लिए मेरे जाने से पहले उसे खाली करो, कहीं ऐसा ना हो कि जो कुछ घर में हो वह सब अशुद्ध ठहरे, और पीछे याजक घर देखने को भीतर जाए तब वह उस व्याधि को देखे, और यदि वह व्याधि घर की दीवारों पर हरी हरी व लाल लाल मानो खुदी हुई लकीरों के रूप में हो, और ये लकीरें दीवार में गहरी देख पड़ती हो। तो इसको बाकी पढ़ लेना आप। ये जो दीवारों में जो लाइनें बनती हैं, खासकर अभी बरसात का सीजन निकला है और जिस जिस घर में शीपेज रहता है उसमें शीपेज का लाइन बनता है, तो ये लिखा है कि
जिस जिस घरों पे दीवालों पर ये व्याधि दिखाई दे उसको खुरच के निकालना और दूर कहीं ले जाके फेंकना और घर को साफ सुथरा और जिसको वाइट वॉशिंग बोलते हैं हमेशा एक घर जो है, क्योंकि ये घर परमेश्वर का वास स्थान जहाँ परमेश्वर चलता फिरता है हमारे लिए, वो ऐसा घर है आपका जो भी जहाँ भी आप रहते हैं। और इसलिए प्रभु सहायता करे कि इस विषय को ठीक से समझो आप कि घर में घर का कोड़ यदि है, दाग धब्बे दिख रहे हैं तो वो कोड़ है। और तब वस्त्र के बारे में क्या लिखा है, व्यवस्था 13:52, उस वस्त्र को जिसके ताने व बाने में वह व्याधि हो, मतलब कपड़ों में भी दाग और धब्बे होते हैं, खासकर देखना आप कई लोगों के पसीने जो गर्मी में खूब आते हैं, जो बहुत मेहनत करता है उसके पसीने से कपड़े में दाग बनता है, ये दाग जो है कपड़े का वस्त्र वस्त्र का कोड़ कहा जा गया है। लय व्यवस्था 13 में क्या लिखा, चाहे वह ऊन का हो चाहे सनी का, चाहे वह ऊन का हो चाहे सनी का, वह चमड़े की वस्तु हो उसको जला दे, वह व्याधि गलित कोढ़ की है, वह वस्तु आग में जलाई जाए। इस तरह से तुम अपने जगह को अपने रहन सहन को साफ सुथरा शुद्ध रखना, ये बोल रहा था। क्या लिखा इस लाइन को, आज का ये मुख्य कंक्लूजन है, इस बात को याद रखना, ऐसा ना हो कि वह तेरे मध्य में कोई अशुद्ध वस्तु देखकर तुझसे फिर जाए। डिटेनोमी व्यवस्था विवरण 23:14 एक बार फिर से पढ़ो रेचल। व्यवस्था विवरण 23:14, ऐसा ना हो कि वह तेरे मध्य में कोई अशुद्ध वस्तु देखकर तुझसे फिर जाए। चाहे अशुद्धता बॉडी का हो, चाहे अशुद्धता कपड़े का हो, चाहे अशुद्धता घर का हो, हम लोग एक वॉल्ट्रिक लगाए करते हैं अक्सर, अनसीन गेस्ट ऑफ दिस हाउस इज जीसस क्राइस्ट, ऐसा तो उसमें कोई शक नहीं है, वो है हमारा गेस्ट है जो दिखता नहीं, हमारे बीच में चलता फिरता है। पर ये लाइन याद रखना, उसने आज कौन सा दिन है, आज रिपब्लिक डे 26 जनवरी, 26 जनवरी जो है उसको रिपब्लिक डे बोलते हैं। रिपब्लिक डे बोलने से यदि मैं बताऊं, इसको मैं अक्सर बताया करता हूं कि स्वतंत्रता के बाद परमेश्वर ने अपने लोगों को जो संविधान दिया, नियम कानून दिए, उसी का एक पार्ट है जिसको हम लोग आज पढ़ रहे हैं, कि उसके नियम कानून में उसकी उपस्थिति को अपनी यदि अपने जीवन में चाहते हो तो कोई भी अशुद्धता हमारे जीवन में, इवन कपड़ों की चाहे घर की जो दाग और धब्बे है वो दिखने नहीं चाहिए, साफ सुथरा घर हो। और जब परमेश्वर उपस्थित होगा तो कोई भी व्यक्ति जो हमारे पास आ रहा है उसके वचनों को सुनने के लिए, वो इम्प्रेस होगा और वो परमेश्वर की बड़ाई करेगा। सो प्रभु सहायता करे, आज के दिन केवल इतना ही याद रखना, किसी भी तरह की अशुद्धता गंदगी, मैं देखा कई बार हम लोग कहीं जाते हैं होटल वगैरह में रुकते हैं तो सबसे पहले मैं साथ में यदि कोई है तो मैं पूछता हूँ जाके देखो वॉशरूम कैसा है, साफ सुथरा है कि नहीं, यदि वॉशरूम गंदा है तो मैं उसमें जाते ही नहीं, ये तो मेरी बात है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यदि ये वॉशरूम वाला पार्ट साफ सुथरा ना हो तो हो सकता है कि परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन से हट जाए, खासकर जिन जो घर हमने इतने महंगे महंगे घर बनाए और पता चला हमारा जो वॉशरूम है इतना गंदा रहता। मैं देखा हूँ कई ऐसे घर, अच्छे अच्छे विश्वासियों का घर जो जिसका वो बाथरूम वॉशरूम इवन जो नॉर्मल जो हमारा ड्राइंग रूम वगैरह है वो सब गंदगी रहती है, फुल गंदा रहता है, और खासकर लेटरिन बाथरूम तो फुल गंदा रहता है। अभी हमने देखा ये परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जिसने बोला यदि तू दिशा फिरने जाए तो मल को अपने ढक देना, दिखना नहीं चाहिए, और यदि तुम्हारा वॉशरूम ये तुम्हारा घर चाहे कितना भी महंगा क्यों ना हो साफ सुथरा यदि नहीं, ये जो शीबा की रानी आई थी उसने देखा इनके, ये बार बार लिखा है कि उसके कर्मचारियों का वस्त्र इवन नौकरों का वस्त्र भी उनका साफ सुथरा था, क्यों, क्योंकि सुलेमान को ये सब सारी बातें मालूम थी, उसने इन सब बातों को की शिक्षा दी है। और एक जन है नए नियम में कुर्नेलियस, उसके बारे में क्या लिखा है, प्रेरितों का काम 10 अध्याय विशेष, प्रेरितों का काम 10 अध्याय उसका 1 पद से पढ़ो जी। प्रेरितों के काम 10 अध्याय 1 पद से,
कैसीरिया में कुर्नेलियुस नाम का एक मनुष्य था जो इटालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। इटालियन था ये, ही वाज नॉट यहूदी नहीं था, इटालियन था ये। यस आगे बढ़ो। वो भक्त था अपने सारे घराने समेत परमेश्वर अन्य जाति है पर उसके बारे में लिखा है भक्त था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुर्नेलियुस। उसने उससे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं और अब याफा में मनुष्य भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। वह शमौन चमड़े का धंधा करने वाले के यहाँ अतिथि है जिसका घर समुद्र के किनारे है। जब वह सरदूत जिसने उससे बातें की थी चला गया तो उसने दो सेवक और जो उसके पास उपस्थित रहा करते थे उनमें से एक भक्त सिपाही को बुलवाया और उन्हें सब बातें बताकर याफा को भेजा। तो यहाँ जो वर्ड यूज किया भक्त सिपाही, उसका सिपाही भी भक्त था। ये तो भक्त है ही, इसका सिपाही भी, उसके पास जो ऑन ड्यूटी है वो भी भक्त है। कैसा है, कैसी ये भक्ति होती है कि हमारे घर में आने जाने वाले लोग भी भक्ति को समझ जाते हैं। तो प्रभु सहायता करें। आज के दिन आज का मुख्य विषय ये है कि ऐसा ना हो कि वह तेरे मध्य में कोई अशुद्ध वस्तु देखकर तुझसे फिर जाए। अशुद्धता, अनक्लीननेस, अनक्लीननेस इज परमेश्वर को पसंद नहीं है वो। और इसलिए ऑलवेज बी क्लीन इन हार्ट, बी क्लीन इन माइंड, बी क्लीन इन हाउस ऑल्सो, एंड योर क्लॉथ शुड बी क्लीन। ये सब चीज़ शुद्ध होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। तो प्रभु इन सब बातों के साथ सहायता करें, आशीष दे। हमेशा याद रखें कि आपका केवल बेडरूम साफ सुथरा ना हो, आपका वॉशरूम वगैरह सब भी एकदम साफ सुथरा हो। क्यों? क्योंकि आपने प्रार्थना किया है और परमेश्वर आपके जीवन में उपस्थित है। सो उसकी उपस्थिति को यदि बनाए रखना है, ऑलवेज उसका फीलिंग कंटिन्यू रखना है, तो आपका घर का सब चीज़ एकदम साफ सुथरा और जिसको देखकर लोग बड़ाई कर सके कि कैसा परमेश्वर के मानने वाले लोग हैं। सो प्रभु सहायता करें। इस विषय को ध्यान से आप मनन कीजिए जरूर और एक दूसरे को सिखाइए, बताइए, चिताइए। और विशेष करके जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं, मैं तो ये कहूँ कि यदि आपको मौका मिलता है मतकू घाट जाने का तो आप ज़रूर इस विषय को बताइए कि हमारा परमेश्वर छावनी में अशुद्धता, गंदगी बिल्कुल नहीं बर्दाश्त है उसको। और वो इसलिए कई बार उसकी उपस्थिति को हम लोग खो देते हैं अनजाने में। तो गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। हेम भाई हैं क्या? मार्गरेट, हेलो जी भैया। हाँ प्रार्थना करो जी भैया, प्रार्थना करो कि सारे जितने विश्वासी लोग हैं उनके घर भी मॉडल बन सके। आपका आवाज कट रहा है भैया। चलो ठीक है, आपका आवाज कट रहा है। चलो ठीक है, अभी प्रार्थना कर रही हूँ। करूं प्रार्थना? हाँ हेलो, हाँ प्रार्थना करो, प्रेयर करो। हेलो, मामो लगता है उनके कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम होगा। हाँ, हाँ हो सकता है। तो अमन, तो अमन तुम ही कर दो प्रार्थना। सुने आइए हम प्रार्थना करेंगे। जीवित मान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख आते हैं। प्रभु जी आप पवित्र 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 सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो थे, जो हैं और जो आने वाले हैं। प्रभु जी हम आपके चरणों के निकट आते हैं प्रभु जी, और जैसे आज के विषय हमने जाना प्रभु जी, शुद्धता
हाँ प्रभु जी, आप पवित्र परमेश्वर हैं प्रभु जी, आपने हमको प्रभु यीशु मसीह के लहू से शुद्ध किया है प्रभु जी, और वो शुद्धता प्रभु जी हमारे मनों में, हमारे हृदयों में, हमारी आंखों में प्रभु जी, हमारे जीवन के हर एक क्षेत्रों में वो दिखने पाए प्रभु जी। और साथ ही साथ हमने इसको प्रैक्टिकल बात को भी सीखा व्यवहारिक जीवन में प्रभु जी, कि हमारे घरों में, हमारे कपड़ों में भी प्रभु जी आपकी पवित्रता नजर आए। जिस प्रकार से शीबा की रानी जब सुलेमान के दास उसको देखा प्रभु जी, उनके दासों को भी देखा, उनके कपड़ों को, उनके चाल ढाल को, हर एक बातों के द्वारा प्रभु जी उन्होंने न सिर्फ सुलेमान की परंतु आप परमेश्वर यहोवा आपकी उन्होंने बड़ाई की प्रभु जी। वैसा हम सबों के जीवनों के साथ होने पाए कि हम जितने जो आपके नाम के कहलाते हैं, जो मसीह कहलाते हैं प्रभु जी, आपके पीछे चलने वाले लोग हैं, हमारे जीवन के द्वारा हमारे भले कामों को देखकर, हमारे जीवनों को देखकर लोग आप परमेश्वर पिता आपकी बड़ाई करें प्रभु जी, ऐसी दया और अनुग्रह चाहते हैं। फिर से अपने जीवनों को आप ही के हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। और आपका वचन पत्रस में भी यही कहता है कि आपके दूसरे आगमन से पहले आप चाहते हैं कि हम पवित्र चाल चलन में जीवन जिए प्रभु जी। सहायता और मदद करें हमें से हर एक जन की। आज की सभा के लिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, अपने वचनों के द्वारा बातचीत करने के लिए। हम सबों को सिर्फ वचन के सुनने वाले नहीं परंतु उस पर चलने वाले बनाए, ऐसी दया अनुग्रह चाहिए। दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, सबको प्रभु आशीष दे। खासकर आज का ये विषय छोटा सा है पर ये मायने रखता है, परमेश्वर की उपस्थिति, उसकी संगति को अपने जीवन में बनाए रखना है। यदि तो अपने सिर्फ जीवन के भीतरी भागों को नहीं, अपने घर से लेकर कपड़े से लेकर सब जगह क्लीननेस, यदि इस विषय में ध्यान नहीं करेंगे तो हो सकता है कि लिखा है तुम्हारे बीच में कोई अशुद्धता देखकर वो फिर जाए तुमसे। और इसलिए प्रभु सहायता करे कि इन बातों को हम लोग ठीक से, जो लोग बीच में जुड़े उन लोग फिर से पूरा सुन लेना। थोड़ी देर बाद मैं अपलोड करूँगा इसको, और इसको ज़रूर खासकर जो अपने घर के लोग हैं, जो अपने कलीग्स हैं जिनके साथ आपका परिचय है, सबको बताइए कि ये क्लीननेस जो है छोटी सी बात दिखती है, घर का ये जो शीपेज का दाग है ये छोटा सी चीज़ दिखता है, कपड़े की गंदगी छोटी सी बात समझते हैं हम लोग, पर कई बार परमेश्वर इन्हीं बातों को देख कर हमसे फिर सकता है। आज हमने सीखा इस बात को। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। कल फिर से हम लोग इकट्ठे होंगे इसी समय पर। शालोम शालोम शालोम, सबको आशीष दे प्रभु। शालोम शालोम, गुड नाइट गुड नाइट।